देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसने बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड कितना है, 8 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितने डिग्री ट्रेवल करता होगा, 45 डिग्री, क्योंकि टी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 360 डिग्री ट्रेवल करने का टाइम। तो अब आप ये देखिए, इसने पूछा है एट टी इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन, ठीक, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड। देखिए इसको भी हम फेजर की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमें, मान लीजिए पार्टिकल इस जगह पे, यहां पे SHM कर रहा है इन दो पॉइंट्स के बीच में, ओके okay? तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में वो SHM कर रहा है, तो एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। पार्टिकल पार्टिकल इस पाथ पे मोशन कर रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहां पे है और इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसकी शेडो यहां पे होगी और इस तरफ जाते हुए मिलेगी। अब वो ये कह रहा है कि 1 सेकंड में 45 डिग्री चलता है, तो 1 सेकंड में पार्टिकल यहां आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में, और नेक्स्ट सेकंड में पार्टिकल यहां आ जाएगा अगेन 45, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो अगर इसकी शेडो देखी जाए, क्योंकि इसकी शेडो जो प्रोजेक्शन है वही SHM कर रहा है, तो इसकी शेडो यहां पे पड़ेगी। अब ये वाली डिस्टेंस अगर X1 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, X2। तो उसने पूछा हमसे कि X1 बाई X2 की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है ना। अब आप देखिए ये वाली चीज क्या होगी, A, तो X1 की वैल्यू होगी A बाई √2, क्योंकि अगर ये ए है तो ये कितना होगा, ए बाई √2, और X2 की वैल्यू क्या होगी, X2 की वैल्यू होगी ए माइनस ए बाई √2, तो ये क्या होगी, √2 माइनस 1/2 इंटू ए, ये तो होगा X2 और ये हो गया X1। अब आप खुद ही देखो, X1 ये रहा और X2 आपके पास ये रहा। अगर मैं X1 और X2 को सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा X1 बाई X2 को अगर आप सॉल्व करोगे, तो थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 + 1, तो ऑप्शन यहां पे आपका डी करेक्ट आ जाएगा।